आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। चांदपुर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। हिंदू इंटर कॉलेज के खेल मैदान में सैनी समाज का एक विशाल सम्मेलन शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सांसद ने सभा में पुलवामा में हुए शहीद सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, सैनी समाज ने उच्च शिक्षा तो पाई, परंतु उच्च विचार तथा संस्कार न पाने के कारण सैनी समाज आगे नहीं बढ़ पाया। नारी समाज के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही। सांसद राजकुमार ने देश की तरक्की तो बताई, परंतु नैतिकता के पतन के कारण देश पिछड़ रहा है। उन्होंने सैनी समाज को सिकंदर बनने को कहा, तभी सैनी समाज के हितों को कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने आरक्षण पर कहा कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। उन्होंने जनसंख्या पर हम दो हमारे दो का नारा दिया, तभी देश का विकास हो सकता है। सरकारों को जनसंख्या कानून लाना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। सांसद राजकुमार ने लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। क्षेत्रीय विधायक कमलेश सैनी ने पाकिस्तान को ललकार कर कहा कि पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले, पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। राजनीति में सैनी समाज से अपनी भागीदारी बढ़ाने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवचरण सैनी व प्रताप सिंह सैनी ने, संचालन ब्रजपाल सिंह सैनी ने किया। सैनी समाज के जिलाध्यक्ष कार्यक्रम आयोजक आनंद कुमार सैनी ने कार्यक्रम में आए लोगों का आभार व्यक्त कर सैनी समाज को एकजुट होने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान विधायक पति मास्टर हरिराज सिंह सैनी, खतौली विधायक विक्रम सिंह सैनी, बेहट विधायक नरेश कुमार सैनी, राम अवतार वी के सैनी, पूर्व अधिकारी डुड़ा मुरादाबाद प्रमोद कुमार सूर्या, गीतांजलि आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राम सैनी, अशोक सैनी, तिलक राज सैनी, करण सिंह सैनी आदि सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मेरा नाम राजकुमार। ये जो आपका अनाज चांदपुर में, क्या पूरा मामला है? चांदपुर में हमारे समाज का एक सामाजिक सम्मेलन था। ये जो समाज है पूरे देश के अंदर भिन्न भिन्न नामों से बसता है, लेकिन राजनीतिक तौर पे सभी पार्टियों ने इस समाज को निचोड़ा है। हमने खड़ा होकर के अपने पांव पे चलने की अपील की है कि अपने आप चलना सीखें, भीख मांगना बंद करें। भिखारी को कोई भीख दिया नहीं करता, अगर देता भी है तो वो उसके हकों का हिसाब नहीं होता। इसलिए राजनीतिक दलों ने जो अपेक्षा की, शासन प्रशासन में जो हिस्सेदारी रही वो मात्र 10% रही। 52% लोग पिछड़े और हिस्सेदारी सिर्फ 10%। और केंद्र या सेवाओं UGC के ग्रांट कमीशन के जितने कॉलेज उनके अंदर तो हद ही होगी कि बैकवर्ड क्लास का हिस्सेदारी सिर्फ मात्र 1%। और